हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की क्लास 10 प्लस टू बुक। हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा बोर्ड के लिए जो प्रिस्क्राइब बुक है वो एनसीईआरटी ही है। 4.5 के लिए हमने अपना जो फर्स्ट वीडियो था, पार्ट वन जो वीडियो था, वो एक्सरसाइज 4.5 के फर्स्ट फोर क्वेश्चन को कवर करता है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था और प्रूव किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे फर्स्ट फोर क्वेश्चन को कवर करता था, जो हमारा पार्ट वन का वीडियो था, पार्ट वन जो वीडियो था। इसी तरह से जो हमारा पार्ट सेकंड का वीडियो था, पार्ट सेकंड का जो वीडियो है वो हमारे क्वेश्चन कवर करता है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज 4.5 के लिए। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5 में, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमने अपने पिछले दो वीडियो में एडजॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था और इनवर्स कैलकुलेट करना सीखा था। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर लिखने हैं और उनका ट्रांसपोज कर देना है। इसी तरह से इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनवर्स उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो के नॉन सिंगुलर होंगे, मीन्स जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो उस स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि वेरीफाई दैट ए बी इट्स इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए और बी मैट्रिक्स है इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका इनवर्स बी का इनवर्स जो आएगा, ए का इनवर्स जो आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखें तो वो एक प्रॉपर्टी में जा रहा है क्योंकि हमने जनरली देखा है कि ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे उसी सेंस में कह रहा है कि ये हमारे पास इसकी इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि ए बी इट्स इनवर्स इट बिकम्स रिवर्स इन केस ऑफ द इनवर्स, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए बी, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है हमें, मैट्रिक्स ए लिखी और मैट्रिक्स बी लिखी। तो इस तरह से एरो का निशान लगा लेते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। 3 की 6 के साथ 18 प्लस 1 की 7 के साथ 7, इसी तरह से 24 प्लस 9 सेकंड रो के लिए 6 प्लस 14 और यहाँ पे 8 प्लस 18, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 25, 33, 20 और 26। अब हमें जो ये ए बी मैट्रिक्स आई है उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, जो ए बी मैट्रिक्स आई है। तो ए बी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम एडजॉइंट पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट बाद में निकालते हैं और पता चलता है इसका डिटरमिनेंट तो जीरो है, तो जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो हमने ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा 25 मल्टीप्लाइड बाय 26 650 माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाय 20 660, सॉल्व करने के बाद आ गया माइनस 10। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है ए बी का। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, a11 a12 a21 a22 a11 माइनस वन एस टू पावर वन प्लस वन, इसका कोफैक्टर इसको छोड़ दो 26
तो पॉजिटिव 26 आ जाएगा हमारे पास। A12 33 के लिए जिस रो जिस कॉलम में आ रहे हैं उसको छोड़ देते हैं 20, लेकिन यहां से हमें माइनस मिलेगा तो ये -20 हो जाता है। नेक्स्ट A21 इसको जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ देते 33, लेकिन यहां से हमें माइनस मिलेगा तो -33। A22 26 का कोरस्पॉन्डिंग सेल को फैक्टर निकालना दिया जाएगा 25, ये पॉजिटिव मिलेगा तो टोटल 25। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर लिखे। स्टूडेंट एक गलती करते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ट्रांसपोज इस केस पे जरूर करना है। तो 26 हमने ये कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर लिखे और उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट लिखते हैं और डिवाइड में इसका डेटमेंट, डेटमेंट आया था हमारे पास -10, तो 1 / -10 और ये हमने एडजॉइंट। तो इस वजह से हमारे पास एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने ए लिखा, एक ए मैट्रिक्स लिखी, उसका डेटमेंट कैलकुलेट किया, कितना आया हमारे पास 5। ठीक इसी तरह से हमने इसके क्या किए, कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर को कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर लिख के और उसका ट्रांसपोज कर दिया, और फिर हमने क्या किया ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से हमने बी मैट्रिक्स लिखी, बी का डेटरमिनेंट कैलकुलेट किया, डेटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए का भी नॉन जीरो था, तो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट निकाला बी का और ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज ध्यान से करना है हमें, क्योंकि ट्रांसपोज करना स्टूडेंट भूल जाते हैं इस प्रोसेस में। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला लिख के बी इनवर्स लिखा। अब हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है और बी इनवर्स आ चुका है, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है बी इनवर्स की ए इनवर्स की। ध्यान रखिए बी इनवर्स पहले लिखना है, तो हमने लिखा बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये हमने बी इनवर्स लिख दिया और ये ए इनवर्स लिख दिया। -1/2 और 1/5 की मल्टीप्लाई -1/10, हाफ पार्ट से बाहर वाला पार्ट तो हमारा जो स्केलर पार्ट है वो तो आ गया -1/10। तो ये बी मैट्रिक्स लिख दी हमने, बी इनवर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो लिख दी और ये वाली मैट्रिक्स हमने लिख दी। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इस तरह से एरो का निशान लगा लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 26 - 33 - 20 - 25, तो सेम आ गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 से रिलेटेड, हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन एडजॉइंट से रिलेटेड है और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट 5 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है वो इनवर्स से रिलेटेड है और इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड है। और जो 12th क्वेश्चन है वो इसमें देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एडजॉइंट भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है हमें, कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, डेटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इनवर्स भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी करनी पड़ रही है। तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है जो पीछे हमने अपने पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़े हैं उन सभी की रिविजन ये साथ साथ में करवा रहा था। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 के लिए हमारे वीडियो का पार्ट 3। थैंक यू।